कल्याण में खड़कपाड़ा पुलिस ने एक देसी पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। जोन 3 के डीसीपी विवेक पानसरे ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कल्याण पश्चिम के योगीधाम स्थित गौरीपाड़ा परिसर में दो लोग अवैध हथियार लेकर आने वाले हैं। गुप्त सूचना के आधार पर खड़कपाड़ा पुलिस के सीनियर अशोक पवार की टीम ने गौरीपाड़ा परिसर में जाल बिछाया। इस दौरान पुलिस ने दो संदिग्धों की तलाशी ली तो उनके पास से देसी पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुशील भोंडवे और गौरव खरडीकर है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये आरोपी किस मकसद से अवैध हथियार लेकर आए थे। क्या वो हथियारों की हेराफेरी करते हैं या फिर किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से आए थे, ये तो पुलिस जाँच के बाद ही पता चलेगा। हमारे खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के गुना शोध पदक के APR चौधरी, उनको एक गुप्त बात में मिली थी कि एक आरोपी एक वेपन लेके किसी को देने को आ रहा है। उसके हिसाब से सीनियर PI श्री पवार जिन्होंने एक ट्रैप लगाया और ट्रैप के तहत हम लोगों को एक DC बना उसका गांव के कट्टा चार जीवंत राउंड मिले हैं। इस गुने के तपास में हम लोगों ने अभी तक दो आरोपियों को अटक किया है। उसमें से सुनील गणपत भोंडवे ये इगतपुरी का रहने वाला है और गौरव सुनील खरडीकर ये कल्याण का रहने वाला है। ये किसके लाया था, कहाँ से लाया था, इसके बारे में और सब संदोख कर रहे हैं।